इस वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं जो बैग दिखाने वाली हूँ उसको देख के आप यू ना हक्का बक्का रह जाओगे। मुझे पता नहीं कितने सारे ऑर्डर्स उस बैग की होगी, मतलब पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सेलिंग टिप्स बाय पूजा। दिस इज मी योर पूजा एंड वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो गाइज। सो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के एंड थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ह्यूज हैंडबैग्स की हॉल। चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप मैच्योर हो चुकी हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, आप छोटी बच्ची हो, यानी कि आप अगर 10-12 साल के भी हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ये इतना ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर एज के लिए मैंने इस टाइम पे एक बैग सिलेक्ट किया है एंड वही हॉल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो डायरेक्ट वीडियो में जाते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मेरी स्टाइल आप लोगों को पसंद आती है या फिर नहीं। एंड या अगर इनमें से कोई भी बैग आपको पसंद आए तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपने लिए खरीद लेना और मुझे बताना कि इन सभी में से आपको कौन सी वाली अमेजिंग लगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एक ऐसी बैग के साथ जो हर एक एज के लिए एकदम प्रॉपर है। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लिंग बैग। कैन यू सी दिस? ये प्योर लेदर में आपको मिलता है, लाइक ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल नहीं, वो काफी महंगा होता है, लेकिन इसका क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये कुछ ब्रांड सेल बॉक्स की तरफ से है एंड मैंने जब इसको देखा था मुझे ये बहुत ही मतलब हाई एंड लगा। आप इस तरीके से स्लिंग को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, आप जब भी चाहो इस तरीके से भी ले सकते हो। एज अ हैंड हेल्ड भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसकी जो लॉक सिस्टम है वो आपको इस तरीके से ओपन करना होगा। अंदर यहाँ पे आपको मिलता है एक ही कंपार्टमेंट जिसमें अभी कागज है एंड साइड में एक चेन मिलता है जहाँ पे आप अपनी पर्स, आप कि मोबाइल, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो आप रख सकते हो। अगर आप कोई भी यू नो पार्टी अटेंड कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप नॉर्मल घूमने बाहर निकले हो, सभी ओकेजन के लिए इस तरीके की एक ब्लैक लेदर बैग होना एकदम प्रॉपर है। बाय द वे गाइस, इसकी जो प्राइस थी वो थी जस्ट 449 रुपीज, लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। नेक्स्ट जो बैग मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ वो मेरी छोटी 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 सब्सक्राइबर्स के लिए है। एंड अगर आप लोग ये देखोगे तो मतलब सडनली आप इसके प्यार में पड़ जाओगे। तो नेक्स्ट बैग मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है ये। दिस इज सो क्यूट। मैंने जब इसको सामने से देखा मुझे लगा कि ये मेरे एज के हिसाब से तो नहीं है, बट आई विश कि मेरे पास एक बहन होती, छोटी सी एक बहन जिसको मैं मतलब ये गिफ्ट कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई बहन नहीं है एंड भाई इज नॉट केपेबल, तो मैं डेफिनेटली इसको अपने पास रखूंगी। ये कुछ ब्रांड संजीज की तरफ से है, संजीज एंटरप्राइज और समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारे कलर ऑप्शन, आपको येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, एक टील कलर मिलेगा, मॉव मिलेगा, मतलब ब्राइट येलो मिलेगा, स्काई मिलेगा। तो जब ये बैग आया था मुझे लगा कि बाहर से ही सिर्फ ये अच्छा है, लेकिन जब मैंने अंदर खोला, लेट मी शो यू, तो अंदर की तरफ आपको इस तरीके की एक कंपार्टमेंट मिलता है एंड इसकी जो क्वालिटी है गाइस वो जस्ट अमेजिंग है। एग्जैक्टली ये इतनी अच्छी तरीके से आपकी यू नो वेटी चीज़ को भी होल्ड करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, स्लिंग वगैरह टूटने की कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे जो स्टिचेस दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है एंड ये बहुत नरम है, बहुत क्यूट है। मतलब जब से आया है मैं बस इसकी फेस को इस तरीके से रग रही हूँ। बाय द वे इसकी जो प्राइस थी वो थी 599 रुपीस, लेकिन अगर आपकी बजट उतना नहीं है फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको दोबारा सोचना नहीं होगा क्योंकि ये आपको बहुत दिनों तक सर्विस देने वाली है। मैं बहुत बचपन से यू नो बैग्स यूज़ करती हूँ, चाहे वो ब्रांडेड हो या फिर ना हो, तो मैंने नॉन ब्रांडेड से स्टार्ट करते हुए ब्रांडेड तक देखा है एंड एक आइडिया हो गया है कि नॉन ब्रांडेड बैग में भी अगर आप अफोर्डेबल बजट में लेते हो तो वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी बैग्स अच्छे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये वाली वोट बाई है। नेक्स्ट बैग जो मैंने यहाँ पर लिया है वो इस हॉल का सबसे ज़्यादा महंगा बैग है, मैंने इससे महंगा और नहीं लिया एंड वो बैग है ये। अभी महंगा होने का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। आपको अगर मैं नज़दीक से दिखाऊँ, एकदम नज़दीक से, तो आप देख पाओगे कि ये जो बैग है वो पूरी की पूरी
ब्लैक है, लेकिन जब भी आप इसको थ्री डायमेंशन में यू नो हिलाओगे तो आपको बैक कुछ इस तरीके का नजर आएगा, एंड जब लाइट ऑफ करोगे तो तब ये पूरी की पूरी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मुझे ये बहुत दिनों से लेना था, एक टाइम में बहुत हाइप में था। बाकी के वेबसाइट में ये आपको 1300 से यू नो चार्ज करना शुरू करते हैं, लेकिन मैंने अमेजन से सिर्फ और सिर्फ 900 में लिया था। एंड अगेन मैं वही कहूँगी कि दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। अंदर की तरफ आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है, एंड यहाँ पे इस सेक्शन आपको एक छोटा वाला कंपार्टमेंट मिलेगा। साथ ही में इसकी जो स्लिंग दिया गया है वो अमेजिंग क्वालिटी की मेटल में आपको मिलता है। यहाँ पे जो चेन दिया गया है वो भी आप देख सकते हो, लाइक बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और अगर आप पार्टी जा रहे हो, अगर आप क्लब यू नो पब वगैरह या फिर नाइट आउट कर रहे हो, सो ये उसके लिए एकदम प्रॉपर रहेगा। जो चीज़ मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लगा वो है इसका स्लिंग। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा लंबी हूँ, लेकिन उसके हिसाब से ये स्लिंग काफ़ी ही ज़्यादा लंबा है। अदरवाइज इस चीज़ को छोड़ के अगर आप चाहो तो यहाँ पे नॉट भी बांध सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली नॉट बांधना पसंद नहीं है। बट उस चीज़ को छोड़ के अगर आप बैक को देखोगे तो अगेन दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। ये कुछ ब्रांड यूनिक फैशन की तरफ से थी, एंड या अगर आप चाहो तो आप इसे भी ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो बैग लिया है वो भी अगर आप टीनेजर हो, अगर आप मेरी एज की हो, आप आग बंद करके ले सकते हो। एंड वो है ये वाली बैग, अगेन फॉरी काइंड ऑफ है, थोड़ा सा फोकस ले लो, हाँ तो ये कुछ फारी काइंड ऑफ है। इसमें ही आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मुझे इस टाइम पे एक मस्टर्ड कलर की बैग लेना था। लाइक मेरे पास मस्टर्ड कलर की बस एक ही पीपल का बैग है, तो मुझे और एक बैग चाहिए था, तो मैंने इसको लिया। इस बैग में भी आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट, एंड इसके साथ आपको स्लिंग मिलता है जिसको आपको अटैच करना होगा। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस बैग को खोलने की ना एक तकनीक है जो मुझे इस टाइम पे मतलब अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। पापा को मालूम है जब भी ये बैग मुझे खोलने की ज़रूरत होती है पापा खोल के देते, एंड इस टाइम तो मुझसे तो हो नहीं रहा, मुझसे ये सच्ची मुच्ची में नहीं हो रहा। बस इस बटन को आपको किसी एक तरीके से प्रेस करना होता है। पापा ने मुझे दिखाया था लेकिन मैं फिर भी भूल गई, तो ये भी बहुत ही क्यूट है, बस इसको खोलने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एंड गाइस मैं अगर आपको यहाँ पे साइड से भी दिखा दूँ तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको यू नो लेदर का काम मिलता है, तो ऑल ओवर बैग की जो क्वालिटी है वो अमेजिंग है। बस ये मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे खोलना नहीं आता। बाय द वे इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको रेड मिलता है, आपको ये वाली येलो मिलेगा, आपको टील मिलेगा, स्काई मिलेगा, डीप ब्लू मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, एंड एक ऑफ वाइट मिलता है। इसकी जो प्राइस थी वो थी जस्ट 349 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे भी एक बात, मैंने सेल पे लिया था, अभी सेल खत्म हो चुकी है, तो आपको विद इन 400 में आराम से मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट अप आई हैव अ स्नेक प्रिंटेड बैग, तो ये भी एक स्लिंग कम सैशल बैग है, एंड इसकी ओवरऑल जो आउटर लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगा मुझे। अगेन यहाँ पे आपको स्लिंग मिलता है जिसको आप यू नो छोटी बड़ी अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। मुझे पर्सनली इस तरीके की बैग बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, लाइक आप लोगे एक बड़ा सा सनग्लास, एकदम नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस, बहुत अमेजिंग लगता है। एक न्यूड कलर की ब्लॉक हील, तो जब मैं घूमने जाऊंगी मुझे बहुत मन था ये लेने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ड्रेस इसके साथ मैच नहीं हो पाएगा, बट आई विल डेफिनेटली पिक द ब्लैक वन विथ मी। एंड बाय द वे गाइस यहाँ पे भी आपको मिलता है अगेन वन कंपार्टमेंट, जो पहली वाली बैग मैंने आप लोगों को दिखाया था सेम मतलब सेम पोजिशन, सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ पे आपको दूसरी वाली छोटी कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे आप अपनी यू नो पर्स वगैरह, फ़ोन, लिपस्टिक, आपका जो मन मर्जी हो, घर की चाबी, कार की चाबी, आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अगर आप यूजुअली डेटिंग पे जा रहे हो तो, या फिर अपने यू नो फ्रेंड सर्किल के साथ पब में जा रहे हो, तो इस तरीके की एक बैग होना मस्ट है, मस्ट। बहुत सारे लोग बैग्स के ऊपर बहुत सारे पैसा खर्च करना नहीं चाहते, एंड करना भी नहीं है, मतलब उतना क्या, जितना ज़रूरी है उतना करो। तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि इस तरीके की एक बैग के ऊपर आप जब भी यू नो 600 पे कर रहे हो उसके हिसाब से ये सर्विस अच्छा देगा। सो आपको हाई एंड ब्रांडेड इसमें जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप पर्सनली चाहते हो तो आप जा सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन मैं नॉर्मली कह रही हूँ कि आपके अगर बजट उतना नहीं है लेकिन आपको वो उस तरीके की एक एस्थेटिक लुक चाहिए, सो यू शुड डेफिनेटली बाई दिस वन। एंड या लास्ट बट नॉट द लिस्ट माई एब्सोल्यूट फेवरेट, जब से आया है मैं, जब भी बाहर निकली हूँ मैं इसको लेके बिना नहीं गई हूँ, मतलब कहीं पे भी नहीं। एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, थोड़ा सा या
सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये कुछ ब्रांड डिक्सन की तरफ से है एंड ये एक स्लिम कम सैचल बैग है. यहाँ पे आप इसको एकदम भी छोटा कर सकते हो. इस तरीके की बैग एक अच्छे ब्रांड में लेना बहुत 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 महंगा पड़ता है एंड मैंने बहुत बार खोजा भी था लेकिन मेरी चॉइस के हिसाब से वो नहीं मिल रहा था. इतना छोटा स्लिंग मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लंबी हूँ तो वो मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा. लेकिन ये जो स्टाइल इन लोगों ने दिया है दिस इज सो यूनिक. मैं जब भी इसको लेके बाहर निकली हूँ मुझे बस एक ही कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपने ये बैग कहाँ से लिया है, ये कौन सी ब्रांड से, कौन सी मॉल में आपको मिला है. आई वर्क लाइक बताऊंगी थोड़ी सी देर रुक जाओ बताऊंगी. तो मैंने ये अमेजन से ली थी एंड इसकी जो प्राइस थी वो थी जस्ट 645 रुपीज. यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है. ओ अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें भी है. दिस इज व्हाट इज इन माय बैग. यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का क्रीम, आपको सैनिटाइजर मिलेगा, आपको मिलेगा मेरी एयरपॉड्स, मेरी लिप बाम, एक क्रैचर और 5 रुपए. बस इतना ही है. सो मतलब मैं इसको लेके अभी घूम रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड डेफिनेटली जब मैं घूमने जाऊँगी मैं इसको अपने साथ लूँगी. कुछ स्टाइल अप मैं करूँगी, कुछ वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा तब. सो मैं डेफिनेटली दिल से कहूँगी कि गाइज लास्ट वाली पीस आप ले लो. इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेगा. आपको एक टैन कलर मिलेगा, आपको डीप ब्राउन, डार्क ब्राउन, नॉर्मल जो ब्राउन होता है वो मिलता है. आपको एक ऑफ वाइट काइंड ऑफ मिलता है. आपको एक वो पीच वाली एक कलर मिलेगा. सो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने मन के हिसाब से चूज कर सकते हो. लेकिन मैं अगर मेरी चॉइस की बात करूँ कि इंटायर इस हॉल में मुझे कौन सी वाली बैग सबसे ज़्यादा पसंद आई एंड एक बैग को अगर मुझे पिक करना पड़ेगा तो मैं कौन सी वाली लूँगी, सो डेफिनेटली मैं इसको पिक करूँगी क्योंकि ये है ही इतना ज़्यादा खूबसूरत. सो या मैं सभी जो बैग्स होगी उसकी लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अगर आप लेना चाहते हो अपने लिए तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट अमेजन हॉल आप किस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर देखना चाहते हो. फैशन के ऊपर, मतलब शूज़ या फिर किस तरीके की ड्रेसेस, साड़ी वगैरह, जो भी आपका मन हो आप मुझे वो बता सकते हो. मैं इसके बारे में सोचूंगी एंड देन मैं उस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड.